Let's do question number 24 of exercise 3b, that is factorization of polynomial. Question number 24 is 25x square minus 10x plus 1 minus 36y square. Right friends, अब देखिए ये हमें पता है, ये हमारा 5x का होल स्क्वायर होता है. राइट फ्रेंड्स, ये हमें पता है किससे बनेगा, 2 इंटू 5x से बनेगा, इन वन वन का स्क्वायर करके बनेगा, माइनस 36y स्क्वायर 6y का होल स्क्वायर होता है. राइट फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है. राइट फ्रेंड्स, तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लिया, तो ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो किसका फॉर्मूला आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म. तो ये आया 5x a हुआ और b हुआ हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. तो क्या होता था, a प्लस b, a क्या है हमारा 5x माइनस 1 माइनस b हो गया, और एक बार x माइनस 1, a में प्लस b हो गया इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25th. क्वेश्चन नंबर 25th इज a माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, तो अब देखिए a माइनस b एक ब्रैकेट हो गया, माइनस कॉमन निकाला, तो ये क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर की साइन चेंज हो गई, इसका प्लस था तो माइनस हो गया. अब ए माइनस बी एज इट इज माइनस एज इट इज, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी. कई बच्चे सोचेंगे कि अगर मैं इसको बी को कॉमन ले लेती हूँ, लाइक ए माइनस ए स्क्वायर ले लेती हूँ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ले लेती हूँ. राइट फ्रेंड्स, कि इसमें से a कॉमन निकाला तो 1 माइनस a बच गया, माइनस b कॉमन निकाला तो 1 माइनस b बच गया. तो देखिए ये सेम नहीं आ रहे हैं. राइट फ्रेंड्स, तो इसलिए ये मेथड रॉन्ग है, इसलिए हमने इन दो के ब्रैकेट्स बनाए हैं. तो अब देखिए a माइनस b कॉमन आ गया, तो a माइनस b कॉमन निकाल लिया, तो इसमें क्या बचा, ये 1 बच गया क्योंकि पूरा बाहर निकल गया, माइनस का साइन, और फिर ये a प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसको हमने क्या कर दिया, मिडिल ब्रैकेट में कर दी, क्योंकि बी के दो वैल्यूज थी. अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो खोलेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस का ए माइनस का बी इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26th. क्वेश्चन नंबर 26th इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, अब 4c है, यहाँ ac है, तो दैट मीन्स ये और ये एक साथ है, तो इसको हम एक साथ कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, अब ये देखिए ये क्या बना, a का होल स्क्वायर माइनस b क्या हुआ, 4c, दैट मीन्स प्लस 2c का होल स्क्वायर. अब माइनस 2ab होता है, 2a क्या है, a, और b क्या है, 2c. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा. राइट फ्रेंड्स, माइनस b का होल स्क्वायर. तो अब ये किसका फॉर्मूला हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. b की जगह हम 2c लिखेंगे क्योंकि हमने b को 2c लिया है, माइनस b स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, अब फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a क्या है, a माइनस 2c, और b क्या है, माइनस b, a माइनस 2c प्लस b इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.